है सब, हर खैरियत रहे और अपने घर में खुश रहे। गर्मी की छुट्टी बच्चों के साथ, आप लोग सब हर खैरियत से होंगे और अपने घर में हंसते मुस्कुराते रहिए, मेरी दुआ है। और गर्मी की छुट्टी इंजॉय कीजिए भाई। गर्मी है तो आम का सीज़न है, तो आज मैं आपको 1 किलो आम का मुरब्बा बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। क्योंकि मैंने इतना पानी खौलने के चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें 1/2 किलो चीनी, 1/2 किलो चीनी मैं डालूँगी। आप इसमें 1/4 किलो भी चीनी डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा आपको पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। मैं इसमें 1/2 किलो चीनी डाल दूँ और इसको मैं अच्छे से चीनी को बस पका लूँगी, चट-चट सा हो जाए बस। उसके बाद मैं आम को कोई उबालूँगी नहीं, कुछ नहीं करूँगी, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी। 4 टुकड़ा कर लिया, आप चाहे जिसको 8 भी कर सकते हैं, या स्टेप से लंबे में या स्टेप से, लेकिन मैं सिर्फ 4 किया है, इससे ज़्यादा छोटे छोटे से। और मैं इसको ना उबालूँगी ना इसको कुछ करूँगी। अब देखिए यहाँ मेरा चीनी का कीमा कितना अच्छा हो गया। मैं इसमें अब आम को डाल दूँगी भाई। गर्मी का टाइम है तो आम का मुरब्बा, धुएँ का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, ये सब चीज़ को खाने का मूड करती है, सब चीज़ ठंडी ठंडी। मैं इसको एकदम बिल्कुल जो दम वाला चूल्हा आटा होता है ना, उस पर डाल के छोड़ दूँगी। इसमें एकदम अच्छे से रच बस जाए। और आप भी इस तरह कैसे बनाते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और आप क्या क्या इसमें डालते हैं? बस मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, नहीं घी जाएगा नहीं कुछ जाएगा, ठंडा यम्मी यम्मी बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे स्टाइल से बनाए, इसमें ज़्यादा मेहनत भी लूँ, गर्मी में किचन में कम काम। और ये अपने मेहमानों को भी पेश कीजिए, खुद भी खाइए ठंडा ठंडा। बस अब इसको मैं इसी तरह से धीमे धीमे छोड़ दूँगी और हर 2 मिनट के बाद मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। अभी ना 10 मिनट हो गए और इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद फिर से मैं आपको अपडेट दूँगी कि शायद 10 मिनट के बाद तैयार भी हो जाएगा। आम का मुरब्बा है रेडी और मामा ने कितनी जल्दी और आसानी से आपको बता दिया है। और इस सच में खाने में टेस्टी होता है। तो ये फाइनल लुक है। और मैं इसको इसी शीशे की जार में सूखा एकदम पानी ना हो उसमें ठंडा होने के बाद बंद करके रख दीजिए, मेहमानों को पेश कीजिए, खुद खाइए ठंडा ठंडा, यम्मी यम्मी से लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं इसको ठंडे होने के बाद। अल्लाह हाफिज़। आम का मुरब्बा तैयार है, ये ठंडा होने के बाद हमने इसे जान उछल लिया है। और आप भी अपनी फैमिली को आप भी बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं, खुद भी खाएं। और बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।